सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर अधीर को NCW का नोटिस आया है। 7 दिन में जवाब मांगा गया। कांग्रेस नेता बोले, राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बयान को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी अधीर को नोटिस थमा दिया है और 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी मामले में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर अधीन रंजन पर FIR दर्ज की गई है। इधर अधीर ने भी बयान पर माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। इधर भाजपा के हमले के बाद अधीर ने कहा है कि मेरे विवाद में सोनिया गांधी को ना घसीटा जाए, मैं राष्ट्रपति से खुद मिलकर माफी मांगूंगा, लेकिन पाखंडियों भाजपा नेताओं से नहीं। एक बार ये चूक हुई है, बाय डिफॉल्ट निकल चुकी, तब क्या करें? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगे, मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन मैं अगर कोई गलती किया तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो, मैडम को क्यों इसमें। अधीर ने बुधवार को सांसद से बाहर निकलने पर राष्ट्रपत्नी वाला बयान दिया था। उसके बाद गुरुवार को जब सदन शुरू हुआ तो लोकसभा में भाजपा महिला सांसदों ने सोनिया माफी मांगे की तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया गया। मानसून सेशन में यह पहली बार था जब भाजपा के विरोध में चलते सदन को स्थगित किया गया। संसद में सोनिया और भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। सोनिया ने स्मृति से कह दिया कि आप मुझसे बात मत कीजिए। यू डोंट टॉक टू मी, ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। आपको बता दें, बुधवार को जब अधीर रंजन सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे पर जाने नहीं दिया गया। तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। वहीं गुरुवार को विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी जुबान फिसल गई थी, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, सत्ताधारी दल तिल का तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, उनसे ही माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। वहीं भाजपा सांसद रमा देवी जब अधीर रंजन के बयान के बारे में बात करने पहुंची तो सोनिया ने कहा, अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। उन्होंने सवाल किया, इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। इस पर वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा, मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो सोनिया ने पलट कर कहा, डोंट टॉक टू मी। इधर भाजपा की जिस सांसद से बात करने के दौरान सोनिया और स्मृति के बीच नोकझोंक हुई, उनका भी बयान आया है। रमा देवी ने कहा कि सोनिया मुझसे बात कर रही थी, तब स्मृति ईरानी आई और दोनों के बीच विवाद हुआ। हालांकि सोनिया जी को अपने सांसद से माफी मंगवानी चाहिए। माफी पर सोनिया बोली, अधीर गलती मान चुके हैं। सदन में गुरुवार को जब हंगामे के बाद पहली बार लोकसभा स्थगित हुई तो सोनिया ने मीडिया से कहा था कि अधीर पहले ही गलती मान चुके हैं। सोनिया स्मृति ईरानी के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गरीब और आदिवासियों का विरोधी है। अपनी गलती पर माफी मांगने की जगह कांग्रेस सीना जोरी कर रही है। स्मृति ने कहा था कि सोनिया को कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, स्मृति से सोनिया जी ने शालीन लहजे में बात की, कहा था कि वे स्मृति से बात नहीं कर रही है, पर स्मृति ईरानी का लहजा अपमानजनक था। उन्होंने सोनिया को घेरा, कहा कि क्या आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये कैसी मर्यादा है, वरिष्ठ सांसद से बात करने का ये तरीका सांसद और राजनीति के खिलाफ है। बता दें, मौजूदा सत्र में विपक्ष लगातार महंगाई और GST के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। 18 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन महंगाई को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ था। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। 20 जुलाई को लोकसभा पहले शाम 4 बजे तक, फिर पूरे दिन के लिए रोकी गई। इसके बाद GST को लेकर हंगामे के बाद राज्यसभा दोपहर से ही पूरे दिन के लिए स्थगित रही। इस सप्ताह संसद में हंगामा करने के कारण लोकसभा और राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।